एक भाई ने शराब के नशे में अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। पता चला है कि पत्नी के बारे में आपत्तिजनक बात करने को लेकर दोनों के बीच विवाद मचा, जिसके बाद यह घटना घटित हुई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वाठोड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक ने शराब के नशे में अपने छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। बताया जाता है कि पत्नी के बारे में आपत्तिजनक बात करने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ। मृतक श्रावण नगर निवासी चंद्रकांत उर्फ पोंगिया पौनीकर बताया गया। पुलिस ने आरोपी रोशन पौनीकर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही भाई आपराधिक प्रवृत्ति के होने की जानकारी है। मंगलवार को नागपंचमी होने के कारण दोनों ने सुबह से ही खूब सारी शराब पी ली थी। अक्सर दोनों के बीच विवाद भी होता रहता था। मंगलवार की रात भी दोनों ने एक दूसरे के साथ गाली गलौज की। रोशन की शराब की लत के चलते उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी। विवाद के दौरान चंद्रकांत ने रोशन को पत्नी को नहीं संभाल पाने के बारे में टिप्पणी कर दी। इससे बौखलाए रोशन ने चंद्रकांत को मसाला पीसने वाले सिलबट्टे उठाकर चंद्रकांत के सिर पर मार दिया, जिससे कि वह वहीं पर ढेर हो गया। कौन? घटना की जानकारी तुरंत मां ने पड़ोसियों को दी। खबर मिलते ही वाठोड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। चंद्रकांत रामू पोनीकर जो है तो नेहमी रोशन सोबत भांडण झगड़ा करायचा आणि त्याच्या पत्नीच्या नावावरून आणि शिवीगाळ करायचा। दोघेही दारू पिण्याच्या सवयीचे आहेत, हातमजुरी काम करणारे आहेत। किरकोळ कारणावरून घरगुती वादातून ही हत्या झालेली आहे। आतापर्यंत आपण याच्यामध्ये जो आरोपी आहे रोशन त्याला तात्काळ अटक केलेली आहे आणि आता पुढील तपास चालू, त्याचा PCR आज आपण घेणार आहोत। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2008 में दोनों एक दूसरे का हाथ तोड़ चुके थे। वर्ष 2017 में भी दोनों ने एक दूसरे को ब्लेड से हमला कर जख्मी कर दिया था। उनके खिलाफ थाने में मामले भी दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर रोशन को गिरफ्त में ले लिया है। NBC न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।